आपका स्वागत है। खबर झांसी से है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का विशेष प्रांतीय सम्मेलन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण पत्रकारिता की राष्ट्र निर्माण में भूमिका विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुकेश पांडे, झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, लखनऊ से आए वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार, के न्यूज इंडिया टीवी चैनल के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत कई बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारिता किस तरह की जाए, निष्पक्ष खबरों के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इस पर चर्चा हुई। देखिए, ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का कार्यक्रम बेसिकली गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो पत्रकार कार्य कर रहे हैं उनकी बहुत विकट समस्या, क्योंकि उनको कोई पैसा उनका संस्थान नहीं देता, चाहे वो समाचार पत्र से संबंधित हो या किसी चैनल से संबंधित हो। उनसे कहा जाता है कि तुम विज्ञापन ले आओ आधा और उसमें हम 25% कमीशन दे दें। ऐसे स्थिति में ईमानदारी से पत्रकारिता, हम लोगों के ज़माने की पत्रकारिता थी, हमें पैसा मिलता था, हमें तमाम सुविधाएँ मिलती थी। आज शासन स्तर पर पत्रकारों को जिस तरह से एक प्रलोभन दिए जाते हैं, और यही कारण है कि निष्पक्ष पत्रकारिता आज के ज़माने में दुर्लभ हो गई। जी, एक तो पत्रकार भाइयों को, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, उनका आज सम्मेलन था पूरे प्रदेश का, तो पूरे 75 जिले से पदाधिकारी आए हुए हैं झांसी, तो उनका स्वागत करना चाहते थे कि बुंदेलखंड की माटी पर इन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, और माई पिताम्बर का इन पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे, जैसे हम बाकी झांसी वासियों पे रहता है तो इन सब पे रहे। मैंने इनसे आग्रह इतना ही किया है कि गांव में, और विशेष रूप से क्योंकि ग्रामीण पत्रकार हैं, तो इन सबसे आग्रह यही था कि जो ग्रामीण की सही स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि ग्रामीण पत्रकार बहुत जिम्मेदारी का काम निभाता है। देखिए, ग्रामीण ये पत्रकार एसोसिएशन का जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें अधिकतर ग्रामीण पत्रकार ही आए हैं, और ग्रामीण पत्रकारों की समस्या तो जटिल है ही। उन्हें न तो कोई वेतन दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, और वो अपनी किस किस समाचारों को किस तरह से प्रेषित करते हैं उनको सुविधा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रामीण पत्रकार अहम भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्र निर्माण में। जो यहाँ की टैग लाइन लगी राष्ट्र निर्माण में ग्रामीण पत्रकारों को भूमिका, तो वास्तव में ग्रामीण पत्रकार भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि हम जो राजधानी में बैठे हुए पत्रकार भी जो है ग्रामीण पत्रकारों को छोटी छोटी क्लिप लेकर के चैनल्स में डिबेट करा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बाईलाइन भी खबरें बड़े बड़े अखबारों, नेशनल अखबारों में छप जाती हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी।